हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, लास्ट एक लेक्चर कंप्यूटर की मैंने शुरुआत कर दी है आपकी प्लेलिस्ट की। तो अब हम लोग कंप्यूटर्स के जो बेसिक सीरीज़ हैं उसमें लगभग जो है 30 अराउंड जो है मैं लेक्चर्स बनाऊंगा। उसमें शुरुआत में आपको बेसिक लेक्चर और उसके बाद में जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उन पर भी बात करूँगा, है ना, और क्या क्या हो सकते हैं। तो जो है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, जो बेसिक बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर जो है, यहाँ पर एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे आज के चैप्टर में, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो हम लोग कंप्यूटर का परिचय करेंगे। दिस सेक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर करने से पहले, है ना, आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने सभी साथियों से चैनल के बारे में बताएंगे। और बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम कंप्यूटर इंजीनियर, है ना, मैं जो है कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मैंने पूरा अपना बीटेक किया, तो उसके आधार पे क्या है, मैं आपको बहुत सारे इंसाइट्स जो है कंप्यूटर के देता रहूँगा। ऑल पॉसिबल्स जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, तो आप ज़रूर इसी तरह से जुड़े रहें। तो पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप जो है जितने भी आपके छोटे बड़े भाई बहन परिवार सदस्य, जितने भी सदस्य के लोग हैं, मेंबर्स हैं, है ना, उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि मैं जो है आपको बेस्ट कंटेंट जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से बेस्ट कंटेंट जो आप लोगों को अवेल करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊँगा, कंप्यूटर की सभी बेसिक क्लासेस। और आप जो हैं मेरे सभी प्लेलिस्ट के जो है लगातार अपडेट जो रहे हैं उसको आप लगातार देखते जाइए। यदि सच में आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको इंसाइट, डीप इंसाइट मिल रहा है, तो आप अपने साथियों के साथ ज़रूर मेरा चैनल को शेयर करें और, है ना, अलग अलग क्षेत्र वासियों को भी इसके बारे में बताएं आप। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, पहले सबसे पहले जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ वो मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बताने वाला हूँ। ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम में से एक है। तो देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये जो CPU है, CPU के तीन भाग है, ये हमने पहली वाली क्लास में ही पढ़ा था। और उसके कितने भाग है, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स। तो हमने अच्छे से बात कर ली थी कि कंट्रोल यूनिट सभी अन्य डिवाइसेस पे कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक गेट्स के बारे में जो है, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो सारे इसमें होते हैं जो डिसीजन मेकिंग होते हैं। और रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जो कि CPU का भाग होता है। तो ये आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ये पूरा डायग्राम आपके पूरा सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो देखिए क्या होता है कि CPU जो है वो तो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर आए थे, और ICs इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में एज ए प्रोसेसिंग यूनिट आए थे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अब देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, एक तो रैम है और एक ये CPU है। तो रैम और CPU के बीच में जो आपको ये डेटा बस दिख रही है, ये वायरलाइंस होती हैं जो CPU और रैम के बीच में। तो आपको जो भी ये वायरलाइंस लाइन दिख रही हैं वो सभी वायरलाइंस हैं, और कंप्यूटर के सर्किट्स को आपस में जो जोड़ती है उसे बोलते हैं डेटा बस। ये डेटा बस 8 बिट भी हो सकती है, 16 बिट भी हो सकती है। यदि ये लाइनें, जैसे यहाँ पर ये आपको 8 लाइनें दिखाई दे रही है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 8 है, तो वो 8 बिट लाइन। जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी ना, उतना ही ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग जो है, आप सोचिए, एक तो एक वायरलाइन जा रही है और एक 8, 16, 32, तो 32 लाइन जो है वो ज्यादा डेटा को एक साथ भेज सकता है, तो वो फास्ट कंप्यूटर माना जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जो एक तो 32 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, 32 बिट कंप्यूटर होता है, एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट कंप्यूटर है, तो 64 जो बिट वाला है वो बहुत तेज और फास्ट काम करता है। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई। अब देखिए, रैम जो है ना, रैम क्या करती है, आपको ये बात भी पता होगी कि हार्ड डिस्क ड्राइव तो परमानेंट, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, है ना, जैसे आपकी फ़ोन के अंदर जो परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा वगैरह स्टोर्ड रहता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में तो परमानेंट डेटा स्टोर्ड रहता है। तो जब भी जो है हमारा कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो जो सारा का सारा डेटा फाइल्स है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब कहाँ रखा हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव में।
तो हार्ड डिस्क ड्राइव से ही डेटा किस में लोड होता है, डेटा लोड होता है रैम में। तो रैम इस तरह से क्या है, हार्ड डिस्क से डेटा रैम में आता है। और रैम जो है ना, रैम एक तरह से क्या है, सीपीयू के लिए डेटा टेम्प्रेरी रूप से स्टोर करके रखती है। रैम ज़्यादा फास्ट मेमोरी है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव एक मैग्नेटिक डिस्क है, जबकि रैम जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। अब आप बोलेंगे मैग्नेटिक डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क है या यूँ कह रहा हूँ मैकेनिकल डिवाइस है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है वो आप देखना हाथ में उठा के वो गोल गोल रोटेट करती है अंदर ही अंदर, जैसे जैसे सीडी डीवीडी गोल गोल रोटेट करती है ना, उसी तरह से डीवीडी में भी क्या है, मैग्नेटिक एक पूरा डिस्क होता है, चुंबकीय डिस्क होता है जो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। तो यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जैसे पंखे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस में है, रैम में। तो आपको ये बात पता चल गई, हार्ड डिस्क के रैम में डेटा लोड होगा। और रैम है ना, इसको लोडिंग भी कहते हैं। लोडिंग जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। लिंकर और लोडर क्या होते हैं, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है लिंकर लोडर क्या होते हैं। तो ये जो लोड कर रहा है वही लोडर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर रहा है। अब ये लोडेड जो भाग है ना वो किस में जाएगा, सीपीयू के रजिस्टर में, रजिस्टर से किस में आएगा, एएलयू में। और एएलयू क्या कर लेगा, अपना कैलकुलेशन कर लेगा। तो ALU में इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। लेकिन देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि जो रैम जो मेमोरी है, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए जब भी लाइट चली जाएगी या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो रैम जो है ना उसमें पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। नए सिरे से वापस जब ऑन करते हैं तो फिल होना शुरू होता है। तो चूंकि इसमें डेटा टेम्परेरी है इसीलिए रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। और जो टेम्परेरी मेमोरी है वो एक प्रकार से नॉन वॉलेटाइल भी है। तो आप एक बात कॉन्सेप्ट सुनिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज वे मेमोरीज हैं, जब भी कभी लाइट चली जाएगी तो उन मेमोरीज में से यदि डेटा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो वह नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है, आप याद रखना, रजिस्टर जो लिखा है, जो सीपीयू की मेमोरी है, जो सबसे तेज मेमोरी है, इसमें से डेटा बिल्कुल परमानेंट डिलीट हो जाता है जैसी लाइट चली जाती है। रैम में से भी परमानेंट डेटा डिलीट हो जाता है। और जो कैश मेमोरी होती है, इंग्लिश में मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया, इंग्लिश की प्लेलिस्ट देखिए, वहां पे वोकैबुलरी में मैं एक एक सेक्शन कवर कर रहा हूं, है ना, प्लेलिस्ट देखिए आप। तो कैश जो है उसका मतलब होता है छुपा हुआ मेमोरी, है ना, हिडन मेमोरी, है ना। तो कैश मेमोरी भी क्या है, ये एक टेम्परेरी मेमोरी। तो आपको तीन चीज पता चल गई कि आपको टेम्परेरी या नॉन वोलेटाइल क्वेश्चन पूछ ले मेमोरीज कौन कौन सी है। तो तीन लिस्ट लिख लीजिए आप कॉपी में अपने, यदि आप कॉपी का प्रयोग कर रहे तो, रैम, कैश और रजिस्टर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसके अलावा जितनी भी बची हैं वो सभी क्या है, परमानेंट मेमोरी है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो परमानेंट मेमोरी है। पेन ड्राइव में डेटा परमानेंट रहता है, जब तक कि मैं डिलीट नहीं करता तब तक डिलीट नहीं होगा, लाइट जाने से इसका कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज, है ना। तो रैम, रजिस्टर, सॉरी मैं एक बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, रैम, रजिस्टर और कैश, यदि मैंने गलत बोल दिया तो मैं सुधार देता हूँ एक बार। रैम, रजिस्टर और कैश जो है ना वो वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी मैंने जल्दी में गलत बोल दिया है, रैम, कैश और रजिस्टर जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, पॉइंट क्लियर है। और नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, जो परमानेंट होती है। देखिए उल्टा याद रखना, नॉन वॉलेटाइल जो टेम्परेरी नहीं है परमानेंट है। तो वो कौन कौन सी हैं, ये जो सभी लिस्ट लिखी है ना ये सभी परमानेंट मेमोरी है। कौन कौन सी, और इन्हीं को नॉन वॉलेटाइल भी कहेंगे, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सीडी की फुल फॉर्म क्या है और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है ना, सीडी और डीवीडी की फुल फॉर्म। ब्लू रे डिस्क भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक फ्लॉपी डिस्क, वो भी क्या होती है, परमानेंट होती है, लाइट जाने से उसका कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो रोम होती है वो एक परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि रोम के अंदर क्या होता है, शुरुआती डेटा जो होता है, जब भी कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको पता है व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग का मतलब वह प्रोसेस
जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपने देखा हो थोड़ा समय लगाता है कंप्यूटर ऑन होने में, तो वो जो समय लग रहा है वही बूटिंग टाइम है। और बूटिंग की फाइलें कहाँ स्टोर रहती है, रोम में, और ये परमानेंट रहती है। इसलिए रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो परमानेंट मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो उनकी लिस्ट कौन कौन सी है, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि मैग्नेटिक डिस्क है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ब्लूरे डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो ये सभी परमानेंट मेमोरी है। टेम्परेरी मेमोरी क्या होता है ना, तो टेम्परेरी मेमोरी देखो क्या होता है, जो रैम है जिसे वॉलेटाइल कह रहे हैं, कैश और रजिस्टर, ये टेम्परेरी मेमोरी है। और इनके बीच में जो वायरलाइंस जा रही है उसे डेटा बस कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेज में जो डेटा जाता है वो डेटा बस। लेकिन आप याद रखना, जो नेटवर्क होता है जहां पर दो कंप्यूटर या ज़्यादा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, उनके लिए जो वायरलाइन या केबल का प्रयोग किया जाता है, दैट इज़ व्हाट ईथरनेट, तो वही ईथरनेट कहलाता है। अब आपको देखो नीचे एक चीज दिख रही है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में मैंने कौन सा डायग्राम बनाया, देखो मदरबोर्ड में मैंने ये इस तरह से, ये सारे के सारे जो है ना, ये पूरा जो है ये मदरबोर्ड बनाया, और इसके बाहर जो है ये वायरलाइंस जो चल रही हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव चल रही है ना, बाहर जो लाइन चल रही है वो हार्ड डिस्क ड्राइव चल रही है। तो देखिए, तो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड जो है पूरे कंप्यूटर सर्किट का समायोजन जो है वही क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। तो ये बात आपको पता चल गई कि मदरबोर्ड पूरे कंप्यूटर का जो समायोजन है वही क्या है, मदरबोर्ड है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब देखिए आगे चलते हैं, मदरबोर्ड में देख लीजिए आप क्या क्या है, और मदरबोर्ड के बाहर कौन है, और ये वायर लाइन से क्या है, बाहर से कनेक्ट होती है, तो है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव अलग से कनेक्टेड है, मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह नहीं होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। आपको एक और बात क्या पता चल गई, बूट स्ट्रैप लोडर, बूटिंग की शुरुआत किससे होती है, रोम डिवाइस से होती है ना, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं थोड़े थोड़े, है ना, एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट सभी अन्य डिवाइसेस को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके अंदर अपनी एक फ्रिक्वेंसी, जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज का मेरा कंप्यूटर है तो फ्रिक्वेंसी है, और अन्य सभी को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन का, रजिस्टर्स क्या करते हैं, रजिस्टर्स करते हैं, सीपीयू की मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है तो ये बात याद रखेंगे। रैम क्या करती है, हार्ड डिस्क ड्राइव से डेटा को लोड करने का काम करती है और वापस सीपीयू को देती है, और सीपीयू से जो आउटपुट जनरेट होता है वो भी किस में आता है, रैम में आता है ना। तो ये बात याद रखना, और ये वायरलाइंस के माध्यम से आ रहा है ना। और रैम के अंदर ही क्या होता है, डिस्प्ले वाला भाग होता है, तो हमको क्या होता है, अपने मॉनिटर पर जो आउटपुट प्रोसेस जनरेट हुआ है वो मॉनिटर पर जनरेट हो जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। एक अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक कैश मेमोरी दिया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। रोम आपको क्लियर है, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है वो सुनिए। आपको साफ साफ दिख रहा है कैश किन दोनों के बीच में है, सीपीयू और रैम के बीच में। तो सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैश मेमोरी हमेशा सीपीयू और रैम के बीच में होती है, और ये रैम की तुलना में ज़्यादा फास्ट होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ज़्यादा फास्ट है। तो आपको यदि मैं क्रम बताऊं कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो आप बताएंगे रजिस्टर। सेकेंड नंबर पर सबसे तेज कौन सी है, कैश मेमोरी। थर्ड नंबर पर सबसे तेज कौन सी है, रैम। और फोर्थ नंबर पर सबसे स्लोएस्ट मीडिया, चूंकि वो मैकेनिकल है, गोल गोल घूम रही है, इसलिए हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे स्लो मीडिया होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको एक एक बात, है ना। अब देखिए वापस से आते हैं, तो कैश मेमोरी जो है, देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पहली बार कोई भी एप्लीकेशन पहली बार ओपन करते हैं, भले ही आपका फ़ोन है या कंप्यूटर है, बहुत समय लेता है। क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क सबसे पहले तो रिक्वेस्ट जाती है सीपीयू से, सीपीयू से रिक्वेस्ट गई रैम में, रैम जो सर्च करेगा हार्ड डिस्क ड्राइव में कंटेंट कहाँ है, हार्ड डिस्क ड्राइव से वापस वो रैम में लोड होगा, और चूँकि हार्ड डिस्क ड्राइव तो बहुत स्लो मीडिया है, और उसके बाद में सीपीयू पे जाएगा, फिर आउटपुट जनरेट होकर वापस रैम में जाएगा और फिर डिस्प्ले पर दिखेगा। तो इस तरह से डिस्प्ले पर दिख रहा है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो पहली बार फ्रिक्वेंटली यूज जो एप्लीकेशन होती है, जो बार बार यूज़ में आती हैं, वो बार बार हार्ड डिस्क ड्राइव पे न जाने की बजाय परमानेंट कैश मेमोरी में स्टोर्ड हो जाता है। तो कैश मेमोरी चूंकि फास्ट भी है, तो जैसे रिक्वेस्ट की सीधा डेटा यहाँ से लोड हो जाएगा। तो समझ में आया, कैश मेमोरी जो है फ्रिक्वेंटली यूज एप्लीकेशन जो है उनको अपने पास स्टोर्ड रखती है, यही कैश मेमोरी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात आ रही है, रोम क्लियर है, बूट स्ट्रैप लोडर है, रैम क्लियर है आपको, परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी क्लियर हो गया आपको, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बार बार एग्जाम्स में पढ़ते भी हैं और एग्जाम में आता है, कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी है और कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है।
तो देखिए एक बात याद रखना, वे सभी मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो रैम रोम है डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपको दिख रहा है कैश मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और आपको क्या दिख रहा है रैम जो है सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो रोम, कैश और रैम ये तीनों प्राथमिक मेमोरी है चूंकि सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, जो इधर वाली सभी मेमोरी हैं, है ना, ये सभी मेमोरी जो है ये इनडायरेक्ट मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। क्यों? क्योंकि ये रैम के माध्यम से कनेक्ट हो रही है। तो आपको एकदम याद रह जाएगा प्राइमरी मेमोरीज आर रैम, कैश, रोम और रजिस्टर भी याद रखना क्योंकि ये तो सीपीयू की मेमोरी है। तो प्राथमिक मेमोरी ये चार हैं, जबकि प्राथमिक मेमोरी में जो रोम है वो प्राथमिक मेमोरी होने के बाद भी जो है यह परमानेंट या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जबकि कैश, रैम और रजिस्टर ये वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको एकदम। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्प्रेरी परमानेंट मेमोरी, ये सभी बात क्लियर हो गई आपको, है ना। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि डीवीडी और सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में जो फ्लॉपी डिस्क है, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि जो फ्लॉपी डिस्क है ना, जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी क्षमता की रेंज कितनी होती है, और क्या आप मुझे बता सकते हैं ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी होती है, डीवीडी रोम की क्षमता कितनी होती है। जैसे आपको पता है सीडी रोम की 700 एमबी होती है। देखो मैं तो सब बता दूंगा लेकिन आप आंसर बताइए, डीवीडी रोम की क्षमता कितनी है, ब्लू रे डिस्क की क्षमता कितनी है और फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी। अब एक लास्ट पॉइंट आपका रह गया सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है। ये जो है आपको केवल जो मेमोरीज होती हैं, जो जब भी हम 10 दिन के लिए कंप्यूटर बंद कर देते हैं 10 डेज के लिए, तो 10 दिन के लिए जो कंप्यूटर बंद हुआ लेकिन आपको टाइम हमेशा अपडेट मिलेगा, क्यों, सीमॉस बैटरी सेल के कारण हमेशा टाइम जो है अपडेट होता रहता है। तो आपको ये बात पता चल गई कि बूटस्ट्रैप लोडर, ALU और वगैरह, और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है रजिस्टर है, स्लो मेमोरी कौन सी है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको एक बेसिक जो है ना कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आपको एकदम पिक्चर क्लियर है। अब मैं वापस से मेरे मेन टॉपिक पर आ जाता हूँ और एक टॉपिक आपको कवर कर देता हूँ, है ना। तो देखिए हम लोग जो है इस बुक पर आ जाते हैं और इस बुक को हमको पूरा करना ही है साथ साथ में, है ना। तो देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो है हम लोग फर्स्ट वाला चैप्टर करने वाले हैं, आप लगातार जुड़े रहिए, है ना। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये सब आपको पता ही, स्कैनर, मॉनिटर, मैंने आपसे मॉनिटर के प्रकार पूछे हैं, पहला वाला लेक्चर देखिए उसमें मॉनिटर के स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया कमेंट बॉक्स में। आप मुझसे जो है फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है, टेलीग्राम ऐप से क्या है मैं इस बुक को जो है वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो आप बुक में से पढ़ भी सकते हैं अपने लेवल पे जो मैंने समझा दिया आपको, पॉइंट क्लियर है। तो ये बात जो है, ये कंप्यूटर जो है एक अच्छा, कंप्यूटर की कभी डेफिनेशन आ जाए तो मैं इंग्लिश में आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को जो कि प्लूरल है, डेटम सिंगुलर होता है याद रखना, तो डेटा को किस में तब्दील करता है, इंफॉर्मेशन में, सूचनाओं में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे पास तो बहुत सारी PDF होंगी अंदर पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अभी कौन सा प्रोसेस कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाली हिंदी की ई-बुक XEEE बुक को, बहुत अच्छी बुक है याद रखना, इसमें सारा कंटेंट कवर हो रहा है। तो ये जो बुक है मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, तो अभी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन क्या है, जो मेरे को फैसिलिटी प्रदान कर रहा है, तो यह बुक मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे फ़ोन में जितनी भी डेटा स्टोर्ड है वो सभी डेटा है क्योंकि मैं उनको वर्तमान में यूज़ नहीं कर रहा। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड आइटम होता है, ये प्रोसेस्ड होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की आपको ये फुल फॉर्म दी हुई है लेकिन ये कभी एग्जाम में नहीं आती है, इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सब होता है, ये सब हमको पता है। कंप्यूटर के कुछ फीचर्स भी पढ़ लेते हैं। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती क्योंकि बार बार जो है ना टेस्टिंग कर करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो त्रुटि को खत्म कर देते हैं। स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट क्विकली काम करता है ना। इसके बाद में जो है वर्सेटाइल फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्सेटाइल कौन होता है, बहुउद्देशीय, कई
है ना, थाउजेंड्स ऑफ जो है इसके एप्लीकेशंस हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखता है, किसी भी प्रकार का पासवर्ड वगैरह को गोपनीय रखता है, डिलीजेंस कर्मठ है, थकता ही नहीं है। हम डिलीजेंस का मतलब क्या होता है हार्डवर्किंग इंग्लिश में, जो कभी थके ही ना। तो आपको पता है कंप्यूटर तो कई, और जो सर्वर्स होते हैं वो तो कई है ना महीनों तक लगातार चलते रहते हैं, उनको रोका ही नहीं जाता और पूरे पूरी लाइफ टाइम वो चलते रहते हैं। स्वचालित का मतलब क्या, ऑटोमेटिक है। तो ये सभी कंप्यूटर के क्या हैं, फीचर्स हैं। कंप्यूटर से संबंधित कुछ टर्म आपको पता है कि हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है ना, जो भी मॉनिटर कीबोर्ड जिसे, और जिसे छू नहीं सकते विच इज़ नॉट अ पल्पेबल, या जो कि जो है इनटेंजिबल है, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये बात आपको एक पता चल गई है ना। कंप्यूटर में जो है मैंने आपको बताया था सूचना क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा तो केवल डेटा होता है, और सूचना जो है वो प्रोसेस्ड संसाधित जो होता है, जो आउटपुट संसाधित हुआ है, प्रोसेस्ड हुआ है, वही डेटा जो मेरे काम का, जैसे मैं भी इस बुक को पढ़ रहा हूँ है ना, तो आपको इस डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। अब जो है आपको पूरा का पूरा ये जो सेक्शन है ना, अब जो आ रहा है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआत हो रही है वो अबेकस से हो रही है ना। तो ये बहुत पहले है ना, ये तो कई 20,000 जो है ना, 2-3,000 साल पहले ही जो है चाइना में बन गया था, लकड़े की होता था, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, आज भी छोटे बच्चों को इसका प्रयोग किया जाता है एबेकस का। इसके बाद में जो आ रहा है वो नेपियर बोन्स, बोन्स का मतलब हड्डियाँ, जॉन नेपियर ने, ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं, 1617 के अंदर जो है जानवरों की हड्डियों पर आयताकार पट्टियाँ टाइप से बनाया था। तो जॉन नेपियर से याद रखना, ये 0 से 9 तक के अंकों के ऊपर काम कर सकता था, इतना ही काफ़ी है ना। इसके बाद जो आ रहा है वो स्लाइड रूलर है। स्लाइड रूलर में आपको बस थोड़ी सी बातें जो है ना, आपको चुनिंदा कुछ बातें याद रखनी है। तो स्लाइड विलियम्स ने बनाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु गणक का मतलब क्या, लॉगरिथम वगैरह पे इसका यूज़ किया जाता था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल लाइन, ब्लेज पास्कल जो कि फ्रांस के थे 1642 में, ये हमेशा पूछा जाता है। और है ना, ये प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर जो है वो ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन कंप्यूटर बनाया था। ये लिख लीजिए आप अपने पास कि फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर है वो क्या था, तो ये ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं, लेबनीज़ ने जो है यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था, लेबनीज़ ने है ना, तो लेबनीज़ ने यांत्रिक कंप्यूटर बनाया, ये आपको एक याद रखना है ना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, जैकार्ड लूम, आपको पता होगा कि जैसे ही जो है पुनर्जागरण शुरू हुआ, रेनेसा पीरियड शुरू हुआ इटली के फ्लोरेंस नाइटिंगल शहर से, ये मैं क्वेश्चन आपको पहले पूछ चुका हूँ कि फ्लोरेंस जो शहर है, फ्लोरेंस नॉट नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल तो नर्स है, है ना। तो आपको पता है ना कि 2020 को ईयर ऑफ मिडवाइफ एंड नर्स के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि 200 साल पहले फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म हुआ था। लेकिन जो फ्लोरेंस शहर है वहाँ से पुनर्जागरण की स्थापना हुई थी। क्या आप मुझे इंडियन फादर ऑफ रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैकार्ड लूम जो मशीन है उससे सूत कतना और कपड़े बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। ये जैकार्ड लूम जो है ना, एक बहुत बड़ी खोज थी उस समय की, है ना। जिस प्रकार जो है प्रिंटिंग प्रेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस के खोजकर्ता कौन थे, वो भी यूरोप से ही शुरू हुआ था, है ना। तो देखिए जैकार्ड लूम्स की शुरुआत होती है, फिर डिफरेंस इंजन की बात आती है। डिफरेंस इंजन जो है ये चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया। तो चार्ल्स बेबेज को ही जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है डिफरेंस इंजन को बनाया था, और इसने क्या किया था जो है 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक कैलकुलेशन है ना करना शुरू कर दिया था। अब देखिए अगला जो है डिफरेंस इंजन भी किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने, और एनालिटिकल इंजन भी किसने बनाया है, ये एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने जो है ना 1833 में बनाया था। तो ये बात आपको और एक साथ में याद रखनी है ना। यह एक मैकेनिकल मशीन थी, ठीक है। उसके बाद में बात आ रही है टैब्यूलेटिंग मशीन, जो जो ये एक एक बात है ना कंप्यूटर के हिस्ट्री में, किसी भी बेसिक सेक्शन में आपके एसएससी सीएचएसएल वगैरह सभी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो हरमन हेलोरिथ ने जो है वो टैब्यूलेटिंग मशीन का निर्माण किया था, है ना, ये बात याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ना IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की शुरुआत हो गई थी। IBM पता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुपर कंप्यूटर बनाने वाली संस्था है वो IBM है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में जो आ रहा है, जो पूर्ण स्वचालित है ना, कंप्लीटली ऑटोनॉमस जो
पहली बार कंप्यूटर बना था वो मार्क वन था, हार्वर्ड आइकन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1930 में मार्क वन 1930 में बनाया हार्वर्ड आइकन ने, और ये कंप्लीटली ऑटोनॉमस था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये था, पहला मैकेनिकल मैंने आपको बताया था ब्लेज पास्कल ने, पास्कलाइन बनाया था, और जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन बनाए थे। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, अब आ रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, एनईए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये याद रखना, कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर है। फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसको बनाने वाले कौन है? जे पी एकर्ट और जॉन मॉकली 1946 में। दोनों क्वेश्चन जो है ना इनके खोजकर्ता जे पी एकर्ट और जॉन मॉकली है ना। तो इन्होंने जो है पहली बार जो है वैक्यूम ट्यूब्स का, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट हुआ करती थी ना वो वैक्यूम ट्यूब थी, द्वितीय पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर जो है एज ए प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज का प्रयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के खोजकर्ता कौन थे? फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ, और वर्तमान में कंप्यूटर का कौन सा जो है जनरेशन चल रहा है? फिफ्थ जनरेशन है ना, उसमें हम लोग यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो एनईएक की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, और ये वैक्यूम ट्यूब्स पर बना था। अब देखिए आगे चलते हैं, है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है ये फुल फॉर्म्स जो है ना कई बार एग्जाम में पूछिए, एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये मॉरिस विल है ना विल्कस ने बनाया था। तो ये नाम याद रखेंगे, मॉरिस विल्कस ने ये जो है बनाया था, यही मेनली आता, और ये भी वैक्यूम ट्यूब्स पर बना हुआ था, 1949 में बनाया गया। तो देखिए आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है एडसैक। देखो जो जो फुल फॉर्म है ना ये सब आपके हिस्ट्री में आती है। एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर है। देखो जो पहले के जो कंप्यूटर थे ना साइज में है ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के बराबर थे, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी डिसीजन मेकिंग जो है। और वर्तमान में तो आपको पता है कि जो ICs यूज में आ रही हैं वो एक छोटी सी ICs में जो हाथ में आ सकती है उसमें करोड़ों ट्रांजिस्टर डिफ्यूज हो सकते हैं, नैनो लेवल पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। इसलिए डे बाय डे जो है ना कंप्यूटर मोबाइल के आकार जो है वो कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, साइज कम होती जा रही है, और उन्हें हम कैरी भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको पोर्टेबल डिवाइसेस भी कहते हैं। पोर्टेबल डिवाइस का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सके। अब जो आ रहा है ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखोगे? यूनिवैक, यूनिव जो है इसका मतलब यूनिवर्सल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक, सी का मतलब कंप्यूटर। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने इसे बनाया था, और यूनिवैक जो है पहला बिजनेस कंप्यूटर था। लिसन वंस अगेन, इट इज़ फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है ना यूनिवैक, ये फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर था। और यहीं पर जो है पहली बार जो है कोबोल जो भाषा है कोबोल का प्रयोग पहली बार यहीं पर हुआ था। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कैसे बनाए? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो कोबोल की जो है इसी कंप्यूटर में यूज हुआ था। यूनिवैक याद रखना, एनईएक याद रखना, मार्क वन याद रखना, इनके खोजकर्ताओं के नाम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट, देखो मैं जो बोल रहा हूँ, इट वॉज द फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर है ना, तो ये बात आपको याद रहेगी है ना। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर याद रखना, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मार्क वन है ना, यूनिवैक फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर है, तो ये बात आपको एक याद रखनी है। इसके बाद में देखिए हम लोग शॉर्टकट में जो है प्रथम पीढ़ी कब से कब तक रही, 1942-56 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग होता था, शुरुआत में केवल बाइनरी 0101 भाषा का ही प्रयोग होता था। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एनईएक मार्क वन और यूनिवैक, ये सभी उस समय पर तात्कालिक समय में प्रयोग में आने वाले कंप्यूटर्स थे। अब बात आ रही है सेकेंड जनरेशन की, तो द्वितीय पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक है? सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ट्रांजिस्टर्स के खोजकर्ता कौन थे, है ना, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। डे बाय डे कंप्यूटर का साइज अब क्या होगा? कम होता जाएगा। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ। असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं? जिनके लिए पहली बार न्यूमेनिक्स का यूज होने लगा,
बाइनरी के 01001 वाले जो कोड थे उनको एक नाम दे दिया, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, तो इस तरह के कोड्स का प्रयोग होने लगा, न्यूमोनिक्स देने लग गए, तो न्यूमोनिक्स असेंबली भाषा में आया। तो ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही तीव्र होते चले गए कंप्यूटर वगैरह, तो ये बात आपको एक समझ में आ गई। तीसरा जो स्पीडी है ना, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इंटीग्रेटेड सर्किट के खोजकर्ता कौन है, इसकी पीढ़ी देख लो 1964 से 71, है ना, और फास्ट होते जा रहे हैं। कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है फोरट्रान का, इसका प्रयोग होने लगा, और जो है कंप्यूटर जो है फास्ट होने लगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब आ गया, है ना, डेटाबेस, डीबीएमएस जो है, ओरेकल, MySQL, है ना, इस तरह के प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज़ होने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर शुरू हो गया, 1971 से वर्तमान समय तक इसका प्रयोग किया जाता है ना, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। और जो है सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर आ गई थी फोर्थ जनरेशन में, तो सी के खोजकर्ता का नाम बताइए, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग सी जो है भाषा उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है इंटेल वगैरह के, इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर के तौर पे जनरेट किया गया था, इंटेल 4004, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और डेटा ट्रांसफरिंग, शेयरिंग, नेटवर्किंग, वो सब स्पीड तेज होती जा रही है डे बाय डे। लास्ट जो वर्तमान में जो हम लोग पीढ़ी पढ़ रहे हैं वो पंचम पीढ़ी पढ़ रहे हैं, सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्तमान का युग ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर बेस्ड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है ना, 1990-91 से लेकर अभी जो 91 से लेकर अभी का जो समय चल रहा है उसका प्रयोग हो रहा है, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग होता है, और अल्ट्रा लार्ज ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक हैं, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग है जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और पहले जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के आर्किटेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना आर्किटेक्चर वाला, रैम, रोम, कैश, बूट स्ट्रैप, लोडर वगैरह, जो भी थोड़ी देर पहले मेरा हैंड रिटन का डायग्राम बनाया था वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक जॉन वॉन न्यूमैन है। भारत में पहला जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ था, है ना, और एडसेक जो है प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था, और पैकमैन जो है उसे हम लोग खेलों में प्रयोग किया करते थे, तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई है ना। इसके आगे का जो पूरा सेक्शन है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे एप्लीकेशंस वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर का आपको समग्र ज्ञान समय समय पर क्वेश्चंस में पूछता रहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिए और आंसर्स को देखिए भी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करिए, कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दो चार स्टूडेंट्स को अपने साथियों को शेयर करेंगे। प्लेलिस्ट में मैं अभी जल्दी जो है फिजिक्स वाला सेक्शन, इंग्लिश ग्रामर, एनवायरनमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी तैयार होने वाली है। आप मेरे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के भी लेक्चर्स देखिए, कितने शानदार लेवल पे जो है मैं आपको डीप इंसाइट दूंगा। ये इतना बड़ा समय है 3-4 महीने का कि आप इसमें समग्र ज्ञान के साथ तैयार हो सकते हैं, और फिर क्या होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, इट विल बी लाइक ए चेरी ऑन द केक, ये आपके लिए बिल्कुल आसान होगा कि आप आसानी से क्रैक कर देंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।